बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 15, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। इसमें हम समझने जा रहे हैं कि कैसा होता है, क्या चलता है, क्या कहानी होती है। तो सबसे पहले आप समझें कि प्रोटॉन किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है और इसमें बेसिकली तीन मौलिक कण होते हैं। ठीक है, जैसे परमाणु को जाएंगे तो उसके अंदर तीन जो बेसिक होते हैं मौलिक कण, सबसे पहला होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किसी भी परमाणु का नाभिक, ये जो सेंटर है इसको हम नाभिक बोलते हैं या केंद्रक बोलते हैं। किसी परमाणु का नाभिक में मौजूद, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है इसको, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और ये प्लस पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इसके बाद जो प्रोटॉन के बाद जो आगे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब वो मैं समझाता हूँ। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता हुआ मौजूद होता है और ये इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो ये सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं और सेंटर वाला जो होता है केंद्रक, वो जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अब इसमें आप समझिए सारी चीज़ें, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं कैसे बनते हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। समझ लीजिए कि अंदर अगर प्रोटॉन 28 है तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको कैसे काम करेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले प्रोटॉन किसी भी परमाणु के केंद्रक में मौजूद होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसी केंद्रक के चारों ओर बनी हुई कुछ कक्षाओं में क्या होता है, कक्षाओं पर चक्कर लगाता हुआ आपको मौजूद दिखाई तो नहीं देगा, मौजूद होता है। अब यहाँ पर जो पहली कक्षा है, जैसे सेंटर है, सेंटर में प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में जो पहली कक्षा, जो पहला राउंड है उसमें दो ऋणात्मक होंगे तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो अगली कक्षा है उसमें बेसिकली होंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स और जो अगली तीसरी कक्षा उसमें होंगे 18। तो अगर 28 है तो कुछ इस तरह से पूरा डिवीज़न होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें, कोई भी कक्षा खाली नहीं हो सकती। अगर 29 होता तो अगली कक्षा में कितना होता, एक अगला इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाता। तो इस तरह से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ये दो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि पहली कक्षा में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 18, यह दोनों शाखाएं बराबर होंगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, मतलब 28 है तो 28 इलेक्ट्रॉन होंगे, 28 ही प्रोटॉन मौजूद होंगे, तभी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वहां पर बैलेंस बना के चलेंगे। यह दोनों शाखाएं बराबर होंगी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बिल्कुल इक्वल होगी, कक्षा उतनी ही होगी जितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, कोई भी कक्षा खाली नहीं होगी। इस चीज़ को आप अच्छे तरह से दिमाग में बिठा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन भी कोई भी आवेश उसमें मौजूद नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको पूरा एक बार स्टार्ट से समझा देता हूँ, कहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, सॉलिड लिक्विड स्टेट मैटर से। तो ये पूरा टॉपिक यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। पार्ट 13 से आप अगर उसको देखना चालू करेंगे, 13, 14, 15, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मैटर, मैटर मतलब वो वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें भार होता है, मैटर पदार्थ कहलाता है। इसके बाद मैटर के 3 टाइप्स पढ़े थे, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड यानी जो दिखे, जैसे हम छू सकें, स्पर्श कर सकें, उसे ठोस, उसको हम कहते हैं सॉलिड, मतलब ठोस पदार्थ। उसके एग्जांपल हैं आपका रेफ्रिजरेटर है, मोबाइल है। इसके अलावा लिक्विड, जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जिसे हम बेसिकली शेप में क्या कर सकते हैं, फिक्स नहीं रख सकते, उसका शेप क्या हो जाता है, जहाँ पर वो होगा उसके अनुसार हो जाता है, एग्जाम्पल वाटर एंड ऑयल। थर्ड इज़ गैस, जो ना दिखे, ना छुआ जा सके, ना कोई आकार हो, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो होती हैं गैसेस, एग्जाम्पल है उसमें हवा। इसके बाद ये हो गया सॉलिड लिक्विड और स्टेट मैटर। मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम अणु कहते हैं। अगर उसके टुकड़े करते चले जाएँ, उसमें अणु में मैटर का स्वाद मौजूद होगा, जैसे शक्कर है तो शक्कर का उसमें स्वाद आपको मौजूद मिलेगा, नमक है तो नमक का छोटा कण। अब अगर सबसे छोटा कण ले लें, उससे भी छोटा, जिसमें जो मैटर का बेसिक जो पदार्थ है, जो उसका गुण है, वो मौजूद नहीं होगा, उसको हम एटम कहते हैं। और एटम बेसिकली हर पदार्थ में अणु और परमाणु होते हैं, मतलब हर एक पदार्थ अणु और परमाणु से मिलकर बना है। हर एक अणु में परमाणु मौजूद है लेकिन पदार्थ मौजूद नहीं होता, अर्थात हर एक अणु कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में ना तो अणु मौजूद होता है और ना ही पदार्थ, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म परमाणु होता है जिसे विभक्त और छोटा नहीं किया जा सकता। उसमें बेसिकली जो मैटर है उसका जो गुण है वो मौजूद नहीं होता। उसी एटम, उसी परमाणु की संरचना बेसिकली क्या होती है, तीन चीज़ों से मिलकर होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन यानी जो सेंट्रलिक
चार्ज्ड है, नाभिक है, केंद्रक है, वो होता है प्रोटॉन। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जितने प्रोटॉन में पॉजिटिव्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, नेगेटिव्स होंगे मतलब नेगेटिवली चार्ज होगा। और जैसे 28 है तो पहली कक्षा में दूसरी में 8 और तीसरी में 18, और वो केंद्रक के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ सा क्या होगा, होता है। तो इस तरह से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन वो होता है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं मौजूद होता। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इस तरह से ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर होगा। अब मैं जब आपको लाइटनिंग समझाऊंगा, लाइटनिंग अरेस्टर समझाऊंगा, तो वहाँ पर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या कंसेप्ट हो जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे बादल से, बादल क्या होता है, उसमें हवाएं क्या होती हैं, हवाएं पॉजिटिवली चार्ज होता है, बादल नेगेटिवली चार्ज होता है। जब वो हवा उसको आवेश को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती, तो वहाँ से लाइटनिंग होकर वो धारा क्या होती है, धरती की ओर आती है। तो उस पर अलग से वीडियो आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने आपको सॉलिड लिक्विड स्टेट से लेकर एटम मॉलिक्यूल से लेकर सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई, एटम के अंदर का, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।